नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी, मां नर्मदा की पूजा, बीजेपी की ही पिच पर लड़ने का दिया संकेत। मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगा 500 में गैस सिलेंडर। जबलपुर दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में प्रियंका के स्वागत में लगी 30 फीट की गदा। बजरंग बली के सहारे कांग्रेस का हार्ड हिंदुत्व। मध्य प्रदेश के इंदौर में निगम कर्मियों की गुंडागर्दी, 3-4 युवकों को पीट पीट कर किया मरा, अस्पताल में भर्ती। भिलाई के मैत्री बाग में बढ़ा सफेद बाघों का कुनबा, बाघिन ने 3 शावकों को दिया जन्म, मस्ती करते दिखे नन्हे बाघ। नवा रायपुर के ब्लू वाटर लेक में नहाने गए लोगों की डूबने से मौत, 2 का शव बरामद, तीसरे की खोज जारी। छत्तीसगढ़ में पटवारियों पर प्रशासन का एक्शन, धरना स्थल से उखाड़े पंडाल, घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर काम पर लौटने को कहा। छत्तीसगढ़ में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारी शुरू, पुलिस अधिकारियों की हुई बैठक, 8 से 20 सितंबर तक रायपुर में होगा सम्मेलन का आयोजन। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती, 10 से 31,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी, 21 जून तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ में सीएम की ड्रीम प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा, 5 बच्चों की फर्जी अंक सूची बनाकर स्वामी आत्मानंद स्कूल में कराया एडमिशन। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों पर। कांकेर में बीएसएफ डीआरजी जवानों ने 5 लाख की इनामी महिला नक्सली को मार गिराया, 3 घंटे में की 100 राउंड फायरिंग। कोरबा में IOC टर्मिनल के पास ईंधन चोरी, प्राइवेट यार्ड में 50,000 लीटर पेट्रोल डीजल जब्त, प्रशासन की कार्रवाई जारी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस सहित 3 ट्रेनें रद्द, रेलवे ने तूफान को लेकर जारी किया अलर्ट। भोपाल में सतपुड़ा भवन पर लगी आग, 4 मंजिल जलकर खाक, दमकल के 30 वाहनों और वायुसेना की मदद से आग पर पाया काबू। दमोह में गंगा जमुना ग्रुप की 8 फर्म से 78 लाख से अधिक का टैक्स जमा, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने फिर दी दबिश। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह को किया गिरफ्तार, रिमांड पर भेजा जा सकता है जेल। छत्तीसगढ़ के हेड कांस्टेबल की एमपी में मौत, ट्रेन से कानपुर से रायपुर आ रहा था परिवार, प्रधान आरक्षक की हार्ट अटैक से मौत। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका, मानहानि मामले को निरस्त करने वाली याचिका खारिज। कोरबा जिले में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, दिलीप बिल्कौन ने हाईवे ने बाइक सवारों को कुचला, 4 लोगों की मौके पर मौत। नई ट्रैक बिछाने की तैयारी में भारतीय रेलवे, BSP को 1 लाख टन रेल पटरी सप्लाई का ऑर्डर, पिछले साल के मुकाबले इस साल 13.20 लाख टन की रिमांड। मध्य प्रदेश में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, तस्कर ने 3 हिरण की खाल जब्त, इसमें काला हिरण भी शामिल। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में सुनी संघर्ष, जमीन विवाद में 2 महिलाओं की हत्या, 2 लोग जख्मी, ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे में किया चक्का जाम। रायपुर में आज स्वास्थ्य कार्यकर्ता देंगे धरना, नियमितीकरण की मांग लेकर तूता धरना स्थल में करेंगे प्रदर्शन। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आपका सरमा टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्रांसफर शिफ्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, क्रेन पलटने से बिजली विभाग के JE की मौत। ग्वालियर में चैम्बर की सफाई करने उतरे निगम के 2 कर्मचारियों की मौत, मंत्री ने 10 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। जबलपुर और मंडला के 3 पान मसाला व्यापारियों के ठिकानों पर एंटी एविजेंस टीम का छापा, लाखों की टैक्स चोरी का आशंका। भोपाल वासियों को बड़ी सौगात, 27 जून को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाएंगे PM नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में भी दिखेगा तूफान बिपरजॉय का असर, ग्वालियर चंबल संभाग में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाजनसंपर्क अभियान के तहत कांकेर में करेंगे सभा।
आईएएस अफसर संदीप कुमार झा के खिलाफ कोरबा में एफआईआर दर्ज। पत्नी ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। जबलपुर के सेंट्रल जीएसटी दफ्तर में सीबीआई का छापा। अधिकारियों की संपत्ति खंगोल रही टीम। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी। रायपुर के राजीव भवन में एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए सीएम भूपेश। 300 प्रदेश पदाधिकारियों को देंगे टिप्स। बीजापुर के 3 आदिवासी युवा जापान में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। इंटरनेशनल एशिया कप सॉफ्टबॉल मैच में हुआ चयन। मध्य प्रदेश में सीएम अरविंद केजरीवाल की ग्वालियर सभा कैंसिल। प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। सीएम भगवान मान भी होने वाले थे शामिल। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर कार्रवाई। हिजाब मामला सामने आने के बाद दूसरी मंजिल से हटाया जा रहा अतिक्रमण। रायपुर में एनएसयूआई चलाएगी माय फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल अभियान। कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच होगा संवाद। खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए स्वरमय टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। रायपुर में शराब कारोबारी के एजेंट से लूट, दो बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, गृह मंत्री ने लिया संज्ञान। वीडी शर्मा बोले, दोषी अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश में जल्द बनेगा 7वां टाइगर रिजर्व। महारानी दुर्गावती के शौर्य को होगा समर्पित। नीमच में महिला ने थाने के सामने उड़ाए 500-500 के नोट, पुलिस पर पैसे मांगने के आरोप। पीएमसीएम को सुनाई खरी खोटी। जांजगीर में ट्रेलर और ट्रक की टक्कर के बाद लगी भीषण आग, जिंदा जल गए चालक और हेल्पर। नरसिंहपुर में मुस्लिम युवक ने राम मंदिर में रचाई शादी, हिंदू धर्म अपना कर प्रेमिका सोनाली राय के साथ लिए 7 फेरे। सरगोन के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में लगी भीषण आग, जलकर खाक हुए लाखों के उपकरण व कागज। आज से काम पर लौटेंगे राज्य भर के पटवारी, सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म। एनआईटी रायपुर में नागालैंड से आए विद्यार्थियों का हुआ स्वागत, मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर संजय अलंग ने बताया छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ में 21 जून से होगी मॉनसून की एंट्री, अगले 3 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड पुलिस डॉक्टरों वकीलों ने बनाई अपनी नई पार्टी, अब 90 सीटों के चुनाव लड़ने की तैयारी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की चेतावनी, कई जिलों में लू का येलो अलर्ट, कल दिखा जा सकता है बिपरजॉय का असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आएंगे मध्य प्रदेश, आज भोपाल जाएंगे बीजेपी राष्ट्र महासचिव, कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण, तैयारों की जाएगी समीक्षा। एमपी में लगेगी शहीदों, महापुरुषों और पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमाएं। सीएम शिवराज ने स्वीकृत किए 331 करोड़, विशेष निधि से होगा नगरों का सौंदर्यीकरण। कटनी में बर्बरता पूर्वक राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार, रील्स बनाकर इंस्टाग्राम में किया था अपलोड, वन विभाग ने महाराष्ट्र से पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल दिल्ली और दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस में होगा योगा, कृष्ण गुरु जी ने की अनूठी पहल। एमपी में अब लैंड जिहाद, सरकार जमीन पर बनाई जा रही अवैध मजारे, लैंड जिहाद की खबर से प्रशासन बेखबर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मरीज छोड़कर वापस लौट रही एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार, चालक समेत 2 लोग घायल। एमपी में एसपी और टीआई ने नहीं सुनी गैंगरेप पीड़िता की गुहार, दफ्तरों के लगाती रही चक्कर, इंसाफ ना मिलने पर महिला ने लगाई फांसी। फिल्म आदि पुरुष को लेकर सीएम बघेल का बयान, कहा फिल्म में जो संवाद है वह अमर्यादी है, शब्दों का चयन अनुचित है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में गहरे कुएं में गिरी भैंस को निकालने में 2 ग्रामीण बेहोश, मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बड़ी हवाओं की रफ्तार, बिपरजॉय के असर से अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट। भोपाल में युवाओं ने बनाया अनूठा स्टार्टअप, ब्रेन वेव्स की मदद से कर रहे करियर काउंसलिंग। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए जारी किया येलो अलर्ट। एमपी में फलदान कार्यक्रम में हुई फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली, 1 की मौत, प्रतिबंधन के बाद भी नहीं रुक रही घटनाएं। छत्तीसगढ़ में फिल्म आदि पुरुष पर लगेगा बैन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा जनता की मांग पर छत्तीसगढ़ में बैन करने की बात सोची जाएगी। खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए स्वरमय टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।